गाइस, AAI कार्गो लॉजिस्टिक तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें पैन इंडिया के लिए 400 वैकेंसीज आई है। गाइस, आज हम इस वीडियो में वैकेंसीज और सिलेबस को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट है उनके बारे में ही डिस्कशन किया जाएगा। और गाइस, अगर आप AI कार्गो लॉजिस्टिक को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। इसमें A to Z सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, कैसे काम होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा और क्या आपको 4-5 साल के बाद कुछ बेनिफिट मिलेगा ज्वाइन करने का या नहीं मिलेगा, और गाइस आगे चल के पेमेंट क्या रहेगा और आप एक फैमिली को सर्वाइव कर सकते हो इस जॉब में नहीं कर सकते हो, सारी डिटेल यहाँ पे ब्रीफली डिस्कशन किया जाएगा। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारा पॉइंट रहेगा प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा सैलरी कितनी मिलेगी और आपकी लाइफ कैसे रहेगी सैलरी के साथ साथ। मेरा सजेशन क्या है, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 5-6 साल बाद अगर आप काम भी करते हो तो आगे चल के क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो सकती है, सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, BCS क्या है, सिक्योरिटी स्क्रीनर यहाँ पे क्या है, छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, बेसिक FSEC सर्टिफिकेट क्या होता है और सिक्योरिटी बॉन्ड में कितना पेमेंट स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, और गाइज क्या ये पेमेंट रिफंडेबल है या फिर आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद आपको मिलेगा नहीं, सारी डिटेल यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। वीडियो 101% आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा वीडियो को देखकर। सो गाइज, पहला पॉइंट हमारा है प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट। देखो गाइज, यहाँ पे लगा है सबसे पहले AAI। AAI की फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और गाइज जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक सब्सिडरी कंपनी है, कोई PSU कंपनी नहीं है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका पार्ट है, ना कि ये गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट है, ठीक है। इसकी सब्सिडरी कंपनी है फुल्ली, 101% ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 15,000 रुपये। ये कैसे रहेगी गाइस, ज्वाइनिंग करने के बाद स्क्रीनर का एक सर्टिफिकेट मिलता है, पॉइंट आने पर बताऊंगा गाइस। उसकी ट्रेनिंग 1 से 2 महीने की होती है, हालांकि फर्दर टाइम पीरियड से ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। और फेल होने के बाद यहाँ पे 3 या 4 चांस मिलते हैं, उसके बाद आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो, फिर पता नहीं आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आपकी सैलरी रहेगी 30,000 per month, और गाइज फिर नेक्स्ट ईयर रहेगी आपकी 32,000 per month, और गाइज नेक्स्ट ईयर रहेगी आपकी सैलरी 34,000 per month। यहाँ पे देखो 1 year 2 year 3 year, और इन्हीं 3 साल का बॉन्ड होगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो, आप खुद के मालिक हो जाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, और गाइज यहाँ पे बात करेंगे आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 5 साल बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट होगी। देखो भाई, लाइफ का ऐसा है, स्टार्टिंग में अगर आप एक सर्टिफिकेशन जो मिलेगा वो क्लियर कर ले तो 30,000 आज की डेट में गवर्नमेंट MTS को सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। सो मेरा सजेशन ज्वाइन कर लो, ठीक है। जब आपका एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो सभी एयरलाइन यहाँ पे स्क्रीनर को लेती है, और गाइज आपको 40 से 45,000 रुपये ईजिली मिल जाएगा। अगर गाइज आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो तो स्क्रीनर का जो सर्टिफिकेट रहता है उसकी वैल्यू बहुत होती है। आप जो है यहाँ पे क्रूजिंग में जा सकते हो, यानी जो पानी की जो शिप चलती है, जो पैसेंजर शिप है, उसमें जा सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो फ्यूचर ब्राइट है, और गाइस थोड़ी आपको यहाँ पे अपनी इंग्लिश भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि एयरलाइन में जाओगे या फिर फॉरेन कंट्री में जाओगे तो उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ज्वाइन करने के साथ साथ वो आपको जरूर करना है। और गाइस सबसे बेस्ट जॉब है, आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप घर पे हो, फ्रेशर हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस वर्क की, क्या काम करना पड़ेगा। गाइस ये एक कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है, इसमें ऐसा होता है गाइस, जब एयरक्राफ्ट पे जब कोई कार्गो लोड होता है तो गाइस उसकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। आपने कभी सुना होगा कि कोई पैसेंजर दुबई से आ रहा है, उस पर इतना सोना पकड़ लिया, और गाइस इतनी घड़ी पकड़ी, इतने आईफोन पकड़े, तो वो कैसे पकड़ते हैं, जब उसका बैग स्कैनर में जाता है और उसमें सब कुछ पता चलता है, तो ये ट्रेनिंग वही होती है, स्क्रीनर की ट्रेनिंग। और गाइज आप भी कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे या फिर अब तो नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे भी ये हो गया, मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे, यहाँ पे एक मशीन है, मशीन का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसमें बैग डालते हो
वो बैग इस तरफ से उस तरफ निकल जाते हैं, तो बैग पूरा स्कैन होकर निकलता है। अगर CISF वाले या फिर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडी में कुछ प्राइवेट बॉडी को कुछ लगता है कि आपके बैग में कुछ वस्तु है, उनको जानना चाहिए, तो वो बैग को ओपन करवा लेते हैं। स्क्रीनर का काम यही रहता है, इसमें कोई लोड ढोने वाला काम नहीं है, यहाँ पे चेयर की नौकरी है, आराम से बैठ के करनी है, ठीक है। वर्क आप जानिए क्या काम करना है। सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? देखो, इंडिया में 20 अगर वो CISF में है या फिर किसी प्राइवेट एयरपोर्ट पे है या फिर मेट्रो पे, कहीं पर भी अगर वो बैग स्कैन कर रहा है, तो उसके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन है। वो सर्टिफिकेशन यहाँ पे देता है BCA, या फिर गाइज यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बॉडी है जो खुद के इंस्ट्रक्टर रखते हैं, यहाँ पे खुद भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट यहाँ पे होती है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशूड सर्टिफिकेट होगा। ये समझ में आए? BCS क्या है गाइज? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCS की फुल फॉर्म है गाइज। देखो, आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग जो है वो ऑपरेटर कंडक्ट करेगा, लेकिन एग्जाम लेगा BCS, ठीक है। यहाँ पे जो 75% एग्जाम होता है वो आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, और जो एक्चुअल में बुक में वर्ड रहते हैं वो ही यहाँ पे लिखना होता है, और ऑलमोस्ट 25 या 35% जो बचता है एग्जाम आपका, वो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपका एग्जाम होता है। वो एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे रहते हैं, मोस्टली वो हिंदी में ही लेते हैं, तो घबराना मत एग्जाम देते टाइम, ठीक है गाइज। यहाँ पे बात करेंगे सिक्योरिटी स्कैनर। देखो, जब एयरक्राफ्ट पे कोई बैगेज जाएगा तो प्रॉपर स्कैन होकर जाएगा, ऐसे तो कोई बम लेकर चला जाएगा जहाज के अंदर, जब वो बैग स्क्रीनिंग होकर जाएगा तो कहीं ना कहीं पता रहेगा कि इस बैग में क्या है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिससे कि एयरक्राफ्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जान मान का कोई खतरा तो नहीं है, जब भी वो बैग एयरक्राफ्ट पे जाने के लिए रेडी होता है। ऐसे ही कार्गो होता है, बड़ी बड़ी कार्गो कंपनी है, अगर कोई आदमी इंडिया से दुबई सामान भेजना या फिर इंडिया में दिल्ली से बैंगलोर सामान भेज रहा है, वो जो सामान जाएगा कार्गो में वो पूरा स्कैन होकर जाएगा। वो स्कैन कौन करेगा? जिसके पास सर्टिफाइड यहाँ पे स्कैनर का सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफाइड करेगा यहाँ पे BCS। ये वाली कहानी क्लियर हुई, उसके बाद ही आपके यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और ये जब सर्टिफिकेशन आपका होगा तो आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा, जो कि आपका 1.5 लाख का बॉन्ड होगा। 3 साल तक आप काम पूरा करोगे तो 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे रिफंडेबल है। अगर आप 3 साल के अंदर जॉब छोड़ दोगे तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, ज्वाइन करना चाहिए, ये मेरी गारंटी आपको, ठीक है। अब PL की बात करेंगे गाइज, यहाँ पे 18 PL आपको मिलेगी, प्रिविलेज लीव जो रहती है, SL मिलेगी, सिक लीव यहाँ पे 12, और 9 CL कैजुअल लीव आपको मिलेगी, जोड़ दो आप काउंट कर सकते हो। सबसे पहले आपका बेसिक FSEC सर्टिफिकेशन होगा, यानी बेसिक FSEC की ट्रेनिंग यहाँ पे 15 डेज की होती है, उसी के बेस पे ही आपके यहाँ पे एयरपोर्ट पासिस बनेंगे, और गाइज उसी के बेस पे ही यहाँ पे आपको ये वाले सर्टिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, यानी ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे, और बाद में BCS लेगा, उसके बाद वो आपको सर्टिफाइड करेगा। जो BCS की ये ट्रेनिंग है, यानी जो ये सारी ट्रेनिंग रहेगी आपकी, ये ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा, यानी आपको ये AAI कार्गो लॉजिस्टिक आपको नोमिनेट करेगा, आपको बढ़िया 5 स्टार होटल देगा, वहाँ पे रखेगा आपको, बाकायदा कैब देगा आपको आने और जाने के लिए। आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, फेल होने के बाद आपको 3 चांस मिलते हैं, आप उन चांसेस में अपनी ट्रेनिंग पास कर सकते हो। ट्रेनिंग कोई हार्ड नहीं होती, आप इजीली कर लोगे, लेकिन मेरा सजेशन है ज्वाइनिंग कर लो, फ्यूचर ब्राइट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू भाई।